आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। हमने पिछले एक वीडियो में आपको ये बताया कि मिट्टी के तवे पर बनी रोटी खाने से क्या फ़ायदे होते हैं, पर इसमें भी कुछ सावधानियां जुड़ी हुई हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप मिट्टी के बर्तन पर रोटी बना रहे हैं। देखिए, मिट्टी के बर्तन से पहले भी रोटियाँ बनाई जाती थी और लोग हेल्दी रहते थे, काफ़ी हेल्दी रहते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि स्टील पे, लोहे पे हमारी रोटी जल्दी बन जाती है, मिट्टी के बर्तन पर स्लो बनती है, पर इसमें जो पौष्टिकता होती है वो फिर कमाल की होती है। मिट्टी के तत्वों को हमारा जो रोटी होता है अवशोषित करता है, हमें बीमारियों से बचाता है। पर एनीवेज, ये मुद्दा हमारे इस वीडियो का नहीं है। हमारे इस वीडियो का मेन मुद्दा है कि हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जब मिट्टी की रोटी पे रोटी सेक रहे हों तो मिट्टी के तवे को कभी भी तेज सेक पर नहीं रखें। मिट्टी है, लोहा या स्टील नहीं है। होगा यह कि आपका जो तवा है वो चटक सकता है, तो तेज आंच पर नहीं बनाना है। इस तवे को इस्तेमाल करते समय इस पर पानी लगाना चाहिए, मतलब जब आप बना रहे हो ना तो हल्का सा पानी जो होता है आप उस पर घस दीजिए। जिस तरह आप घी नहीं घसते हैं तवे पे, उसी तरह तवे पे थोड़ा सा पानी घस दीजिए। तवे को कभी भी साबुन के साथ नहीं धोना चाहिए। हम मिट्टी के बर्तन की बात कर रहे हैं, मिट्टी के तवे की बात कर रहे हैं, क्योंकि द मोमेंट आप उसे साबुन से घसोगे तो साबुन के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं वो तवा जो है उस साबुन को अवशोषित कर लेगा और पुनः फिर आपके रोटी के माध्यम से आपके पेट में जाएगा, क्योंकि मिट्टी का काम होता है अवशोषित कर लेना चीजों को। तो कभी भी इसे साबुन से अपने तवे को मत धोइए। तवे को यदि साफ ही करना है तो आप कपड़े से साफ कीजिए, आप गीले कपड़े से साफ कीजिए, सूखे कपड़े से साफ कीजिए, पर साबुन वगैरह कोई भी केमिकल चीजों से आप इसे मत धोइए। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।